Electron transport chain. First, the contents. Arrangement of electron carriers in electron transport chain. Then, the complexes present in electron transport chain. Movement of high energy electron within electron transport chain. And movement of hydrogen ion from inner mitochondrial membrane to the outside. So, first, the arrangement of electron carrier in electron transport chain. अगर तो हम यहाँ देखें ये यह मैंने आपको जो आपके सामने डायग्राम है ये इनर माइक्रोकॉन्डल मेम्ब्रेन की है पहली बात यह है कि जो आउटर माइक्रोकॉन्डल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एग्जिस्ट नहीं करती है ये बेसिकली इनर माइट्रोकॉन्डल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो के जो मालिक्स हैं वो एक कम्पलेक्स जो है वो एक अरेंज स्पेसिफिक अरेंजमेंट में मौजूद हैं इसके अरेंजमेंट में अगर आप देखें राइट फ्रॉम एन ई डी एच डी हाइड्रोजिनेस देन एफ एम एन देन को एनजाम क्यू देन साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी वन देन साइटोक्रोम सी एंड साइटोक्रोम ए थ्री ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की अरेंजमेंट ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं अगर इसमें से आप देख रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है एक सब नंबर वन से इलेक्ट्रॉन नंबर टू को जाएंगे थ्री फोर फाइव सिक्स जाएंगे अच्छा ये ऊपर एक एफ ए डी एच टू लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो तरह से ऑपरेट करेगी एक जो है कि जब वन टू शुरू हो जाएंगे ना तो फिर ये एफ डी एच वाला इन्वॉल्व नहीं होता है तो जब एफ ए डी जो है इन्वॉल्व होगा यू इसको अगर मैं ए का नाम दे दूँ जब ए इन्वॉल्व होगा तो वन और टू इन्वॉल्व नहीं होंगे बल्कि ए से थ्री फोर फाइव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दो तरह से ऑपरेट होती है डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एन ए डी एच कि से तो फिर ये पाथवे नंबर वन यूज़ होता है एन ए डी एच डी हाइड्रोजनाइज वाला और अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एफ ए डी एच टू से तो फिर पाथवे नंबर टू यूज़ होगा जिसमें ए से थ्री फोर फाइव जो है वो ऑपरेट करेगा तो बहरहाल दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पहले एन ए डी एच डी हाइड्रोजेइज एफ एम एन कोम बी सी वन सी एंड ए ए थ्री जो है वो मौजूद है अच्छा व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सेस अच्छा अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को माइट्रोकॉन्ड्रिक माइट्रो मेम्ब्रेन है अगर हम उसको डिटर्जेंट से वॉश करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन के जो मालिक्यूल्स हैं वो फोर कम्प्लेक्सेज में अलग हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ये जो मालिक्यूल चार कंप्लेक्स बनाकर चार ग्रुप बनाकर रहते हैं यहाँ मैंने इसको हाईलाइट किया है कि दिस द कंप्लेक्स वन कंप्लेक्स वन के अंदर आप देख रहे हैं कि एन ए डी एच है एफ एम एन है इस तरह से कंप्लेक्स टू है हमारे पास देन कम्प्लेक्स थ्री है और कम्प्लेक्स फोर है को एनजाम क्यू और साइटोक्रोम सी ये किसी कम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं बल्कि दो दो कम्प्लेक्स के दरमियान लिंक का काम कर रहे हैं यह कम्प्लेक्स वन से कंप्लेक्स थ्री आप देखिएगा ये कंप्लेक्स की अरेंजमेंट जो है वो इनके ऑपरेट करने को भी इंडिकेट करती है जब कोई इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो उसके पास दो पैटर्न होंगे मूव करने का इलेक्ट्रॉन्स का पहला ये होगा कि वो कम्प्लेक्स वन से कंप्लेक्स थ्री और कम्प्लेक्स थ्री से कम्प्लेक्स फोर तक वो इलेक्ट्रॉन मूव करें इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर वो ये पाथवे नंबर वन यूज़ नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन तो फिर वो पाथवे नंबर टू यूज करेगा कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स थ्री एंड कम्प्लेक्स फोर तो इसका मतलब ये हुआ एक वक्त में एक या वो पाथवे यूज होगा या पाथवे नंबर वन कम्प्लेक्स वन वाला पाथवे यूज़ होगा या फिर कम्प्लेक्स नंबर टू वाला जो पाथवे जो है वो यूज़ किया जाएगा वाट इज़ हैपनिंग वेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू दीज पाथवेज जब इलेक्ट्रॉन इस, इस इलेक्ट्रॉन पाथवे ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करता है तो होता क्या है शुरू में हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ये मालिकूल हार्वेस्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स हैं दे हार्वेस्ट दिस एनर्जी अब इस एनर्जी को आगे जो है फर्दर हाइड्रोजन आयस को पंप आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो इसका बेसिक पर्पज़ फिर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उससे एनर्जी को हारवेस्ट करना यहाँ अगर आप इस डायग्राम को देखें ये डायग्राम शो कर करिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि दो ऑप्शंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स एन से ट्रैवल करना शुरू करेंगे एन से अगर ट्रैवल करेंगे तो ये सीधा साइटोक्रोम ए ए थ्री तक इलेक्ट्रॉन्स ये चले जाएंगे अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन जहाँ से स्टार्ट हुए थे एंड पर भी दो ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम ज़्यादा नहीं हो रहा तो फिर हो क्या रहा है हो ये है रहा कि यहां यह है कि यहाँ इन, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है देआर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब ये यहाँ पहुँचे तो फिर इनकी एनर्जी बहुत कम रह गई है तो एनर्जी लेवल बेसिकली इनका क्या हो गया डिक्रीज कर गया है और जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर ने इलेक्ट्रॉन से ले ली है जिसको आगे फर्दर ये अदर पर्पस के लिए यूज़ करेंगे अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन ई डी एच से नहीं आ रहे आप पता है सेल के अंदर दो तरह के मालिक्यूल्स हैं एन ई डी एच और एफ ए डी एच टू दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैरियर का रोल प्ले करते हैं तो अगर एनए है तो ये पहला पाथवे जो है हाँ अभी हमने डिस्कस किया ये यूज होगा एन से एन ए डी एच डी हाइड्रोजनीम एन कोम बी सी वन सी और ये पाथवे चलेगा सीधा अगर इलेक्ट्रॉन डोनर जो है या इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो एन की बजाय एफ ए है तो इस केस में क्या होगा कि अलेक्ट्रॉन जो है वो एन को नहीं मिलेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सीधे एफ से को एनजाम क्यू को और को एनजाम क्यू से होते हुए ये एंड पर जो है वो साइटोक्रोम ए ए थ्री तक पहुँचाएँगे इसके बाद दो तरह के जो पाथवेज या मूवमेंट है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉ और यहाँ भी सेम वही होगा कि एफ के पास एनर्जी ज़्यादा है जब इलेक्ट्रॉन मूव करके एंड पर पहुँचेंगे तो इनकी एनर्जी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी कम रह जाएगी थोड़ी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने हार्वेस्ट कर लेनी है ले लेनी है यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का बेसर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बेसिक पर्पस है कि वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी हार्वेस्ट कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आइन्स अब अगर हम देख लें कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर तो दे आर मूविंग फ्राम एक चीज़ आपने याद रखना है कि जो रिडॉक्सोटेंश रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की साहियत जो है वो या उसको आगे देने की तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के शुरू वाले हैं उनका रिडॉक्स पोटेंशियल कम होता है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड वाले कैरियर्स हैं उनका रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उनका रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होने की वजह से ही वो इलेक्ट्रॉन पहले वालों से ले सकते हैं अब जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने हारवेस्ट की है उसका यूज़ क्या है उसका यूज़ है हाइड्रोजन आयस को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से उठाकर इनर माइट्रोकॉल मेम्ब्रेन से बाहर फेंक देना यानी कि आउटर और इनर माइट्रोकॉल मेम्ब्रेन के दरमियान जो गैप है इलेक्ट्रोहाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से उठाना यानी माइट्रोकॉन्ट्रिया के सेंटर से उठाना और दोनों मैंब्रेन के दरमियान जो स्पेस है वहाँ जाकर फेंक देना यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सेकेंड फंक्शन है पहला फंक्शन एनर्जी को हार्वेस्ट करना और दूसरा हाइड्रोजन आयन को पंप आउट करना ये इसके दो जॉब्स हैं डायग्राम में है अगर आप इसको देखें इसको बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया है कि यहाँ अगर आप देख रहे ये कंप्लेक्स वन है जब इलेक्ट्रॉन कम्पलेक्स वन से मूव करते हैं तो कम्पलेक्स वन के जो मालिक्यूल्स हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हार्वेस्ट करेंगे और फोर हाइड्रोजन आयंस को पंप आउट करेंगे बाहर भेज देंगे बाहर कहाँ भेजेंगे इनर एंड आउटर माइट्रोकारल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है दिस वन माइट्रोकारल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है वहाँ फोर हाइड्रोजन आयन भेज दिए जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे जाएंगे तो ये कम्प्लेक्स वन के बाद कम्पलेक्स थ्री आएगा कम्प्लेक्स टू साइड पर आ जाता है जब कम्प्लेक्स वन यूज़ होता है तो फिर कम्प्लेक्स टू ने यूज नहीं होना है बल्कि कम्प्लेक्स थ्री ने यूज होना है तो कम्प्लेक्स वन के बाद जब कम्प्लेक्स थ्री से इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे तो यहाँ उन कुछ एनर्जी उनकी कम्पलेक्स वन में हार्वेस्ट हो गई है अब जो बाकी एनर्जी है उसमें से कम्प्लेक्स थ्री से जब वो गुजरेंगे तो अगेन फोर हाइड्रोजन आइन्स विल बी पंपड आउट चार हाइड्रोजन आइन मजीद जो है वो बाहर भेजे जाएंगे माइट्रोकॉन्डिया के मैट्रिक्स से उठाकर इंटर इंटरमैम्ब्रेन स्पेस में इस तरह से जब वो हाइड्रोजन आयंस मूव करते हुए कंप्लेक्स नंबर फोर से गुजरेंगे अगेन आप देख रहे हैं कि अलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टन का जो टोटल फंक्शन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना और हाइड्रोजन आयंस को पंप आउट करना ये हाइड्रोजन आयन को बाहर पंप आउट करने के लिए जो एनर्जी है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स वाली एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है अच्छा ये पहला पाथवे है अगर दूसरा पाथवे यूज होता है यानी कम्प्लेक्स वन की बजाय कम्प्लेक्स टू यूज होता है तो फिर कंप्लेक्स टू से कम्प्लेक्स थ्री एंड देन कम्प्लेक्स फोर अब सेकेंड पाथवे जब यूज होगा तो देखें कंप्लेक्स टू किसी तरह के हाइड्रोजन आइन को बाहर पंप आउट नहीं करता है यानी कंप्लेक्स थ्री और कम्प्लेक्स फोर वाले हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे कम्प्लेक्स uh, वन वाले हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं जाएंगे अच्छा यही अगर आप देखें जब आप पढ़ेंगे आगे अब हम अक्सर पढ़ेंगे कि जब एन ए डी एच मौजूद होता है तो तीन ए टी पीज प्रोड्यूस होते हैं और जब एफ ए डी एच टू यूज होता है तो दो ए टी पी प्रोड्यूस होते हैं ये साइंस आपको यहीं से समझ आ जाती है कि जब एफ ए डी एच टू यूज हो रहा है तो ऑनली सिक्स हाइड्रोजन आयन जो है वो पम्प आउट हो रहे हैं और जब एन ए डी एच यूज हो रहा है तो सिक्स प्लस फोर टेन हाइड्रोजन जो है उसको पंप आउट किया जा रहा है तो इसलिए एन ए डी एच ज्यादा हाइड्रोजन आयन को पंप आउट करती है ज्यादा ए टी पी प्रोड्यूस करेगी एफ ए डी एच कम हाइड्रोजन आयन को पंप आउट करती है ये कम हाइड्रोजन आइन को पंप आउट करने की वजह से ये कम ए टी पी मालिक्यूल जो है प्रोड्यूस करेगी